एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मलिक व्लॉग्स मालमो। कैसे हैं आप सब? काफ़ी देर बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बस एक किसी चीज़ में बिजी था, तो इंशाल्लाह आगे जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, आपको एंटरटेन करता रहूँगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। आज की वीडियो जो है ये एक इंसिडेंट पर डाल रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। तो क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं। तो देख लिया होगा आपने, उससे आपको कुछ आइडिया भी हो गया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो सेम किस्म के ड्रोन करने क्या हैं। जी तो हुआ ये कि ड्रोन जो था ना, मैं उड़ा रहा था और एकदम से कुछ परिंदों ने आके उसके ऊपर अटैक किया। सीगल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहीं उसको अटैक किया, और वो मैं एक्चुअली डायरेक्ट ड्रोन देख नहीं रहा था, वो थोड़ा बिल्डिंग की बैक साइड पर था, तो मैं भी देख रहा था उसको मोबाइल पे। तो अचानक से ड्रोन जो है ना हिला, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रोन वैसे हवा से इन चीज़ों से नहीं हिलता, तो मुझे ऐसे डाउट हुआ कि कोई चीज़ टकराई है इससे। उसके बाद एकदम से उसकी एक मोटर ख़राब हो गई और वो नीचे आना शुरू हो गया। वो नीचे आते आते एक मैंने कोशिश की कि वो वापस जिधर मैं खड़ा था उधर ही आ जाए, ताकि यानी मेरे सामने ही लैंड हो जाए। लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ, उसकी मोटर ख़राब हुई और एक शायद एक पर टूट गया, तो वो उसी जगह पे जो है ना वो लैंड करना शुरू हो गया, और वो करते करते ना वो एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर गया। और बिल्डिंग का मसला ये था कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे लगता है ये नीचे वाले वो सात वाली बिल्डिंग पे ऊपर उसके पास ही रोड पर दिखा रहा है। अब चलते हैं देखते हैं, उसको कोई बर्ड्स ने मुझे लगता है कोई टकराई है, परिंदे कुछ, उसके उसकी मोटर जो है ना एक काम नहीं कर रही, और उस वो ड्रोन नीचे आ रहा था, वो नीचे आते आते जो है ना कहीं लैंड किया खुद से ही, क्योंकि अब कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया। फटाफट जाके चेक कर, अभी रोड पे GPS की वजह से अभी रोड पे आ रहा है। रोड के ऊपर हुआ था फिर क्या? अब वो आगे दिखा रहा है उस साइड पर, ये आ रही है लास्ट लोकेशन, लास्ट लोकेशन आ रही है। तो अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ लास्ट लोकेशन है। वो फाइंड माय ड्रोन पे मैंने किया है, उस पर वो बीप भी कर रहा होगा, लेकिन वो भी तब करेगा। ये उसका फाइंड माय ड्रोन, लेकिन मसला ये है कि सिग्नल वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन वो क्या रहा है कि बीप कर रहा है, लेकिन मेरा आवाज़ तो कहीं भी नहीं आ रही। ये GPS भी एग्जैक्ट नहीं दिखाता, कुछ थोड़े से मीटर आगे पीछे होते ही हैं। इधर आ रहा है, इस बिल्डिंग पे आ रहा है, ये बिल्डिंग के ऊपर का आ रहा है, बिल्डिंग के ऊपर मुझे लगता है, इधर बिल्डिंग के ऊपर। इधर इसका ना सिग्नल भी कनेक्ट हुआ है, सिग्नल भी आ रहा है। इस बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इनका जो है ना कोई एक्सेस नहीं होता ऊपर रूफ का, लेकिन ट्राई मारते हैं अगर कुछ हो सकता है तो देखते हैं। वैसे अभी तक मैंने कभी गया नहीं हूँ ऊपर, ना कभी ट्राई की है, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है कि एक्सेस नहीं होता ऊपर। ये
छह फ्लो हैं। ये तो लिफ्ट का है, लिफ्ट का ये ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये हम लोग जा नहीं सकते। एक तो मसला है कि कोरोना की वजह से ऑफिसेज भी बंद हैं, उनको मेल करनी पड़ेगी, देखते हैं। तो ड्रोन जो था वो बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर गया और सिग्नल मिल रहे थे, जिससे मुझे पता चल रहा था कि ड्रोन इधर ही कहीं करीब है, लेकिन जीपीएस की लोकेशन से पता लग रहा था कि ये बिल्डिंग के ऊपर है, और उसके कैम से भी पता लग रहा था कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड किया है। क्योंकि पहले डिस्कनेक्ट हो गया था तो कैम नहीं था चल रहा, लेकिन जब मैं करीब गया हूँ तो फिर कैम चलना शुरू हो गया था उसका, लेकिन वो फ्लाई नहीं था कर रहा दोबारा से। तो फिर इधर उधर कॉन्टेक्ट किया, लेकिन कोरोना की वजह से ऑफिस बंद हैं सब, तो मुझे कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा था। फिर एक दोस्त की हेल्प से, सर्विस गाय या कुछ भी आप जैसे भी कह लें जो इन बिल्डिंगों की यानी मेंटेनेंस रखते हैं, तो उसका नंबर उससे मेरे दोस्त ने उन्होंने बात की, तो उसकी वजह से मुझे ड्रोन मिला। वो वाटर डैमेज हो गया हुआ था, मैंने फिर ड्रोन लिया, फिर मैं गया मीडिया मार्केट जिधर से मैंने परचेज किया था। ये जी मिल गया ड्रोन, और एक एक पर टूटा हुआ है, मोटर्स को जंग लगा हुआ है, देखें रस्ट लगा हुआ है सारा। मेरा नहीं ख्याल अब ये चलता होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बारिश में पानी में उधर ऊपर पड़ा रहा है, अब आज मिला है। इसे लेकर जाऊंगा मैं इंश्योरेंस, तो देखते हैं उधर आगे क्या कहते हैं। वहाँ पे फिर डिटेल बताई उन्हें, ड्रोन दिया, इंश्योरेंस कंपनी के पीछे पड़ा रहा, तो क्योंकि इंश्योरेंस को मैं पहले कॉन्टैक्ट कर चुका था, इंश्योरेंस कंपनी मुझे नहीं दे रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें जो डैमेज ड्रोन है वो चाहिए, तो वो बिल्डिंग के ऊपर था, वो उतार नहीं था सक रहा, लेकिन तो उसकी हेल्प से वो हो गया, उतर आया, मिल गया, उनको दे दिया मीडिया मार्केट को, फिर फॉलो अप किया थोड़ा सा, और फिर मुझे मिल गया एक नया ड्रोन। अब मेरे पास ड्रोन तो एक है, लेकिन उसकी जितनी एक्सेसरीज थी, रिमोट और सारा कुछ जो भी एक्स्ट्रा बैटरीज और वो सब मेरे पास रह गया। नया है अभी तक, मैंने ओपन नहीं किया, पैक है, अभी इसको ओपन करेंगे। बाकी तो सारा कुछ है, उनको सिर्फ मैंने ड्रोन और एक बैटरी, बाकी सब पहले की चीज़ें हैं इसमें, तो अच्छा हो गया, एक्स्ट्रा बैटरीज हो गई हैं मेरे पास, अभी लंबे टाइम के लिए अब ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया, तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनेंगी दोबारा से ड्रोन के साथ। तकरीबन मेरा ख्याल कोई महीना डेढ़ महीना हो गया इसको गए हुए, तो बेशक दूसरी दफ़ा, लेकिन मज़ा तो आता है ना, बेशक पहले कर चुके हैं हम लोग। इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कवर कर देती है। अब फिर से स्टीकर उतारो, ये वही है बैटरीज और सारा कुछ, ये सारा कुछ मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें सिर्फ ड्रोन मिसिंग था, क्योंकि वो मैं उधर ले आया था। फिलहाल ये यूज करेंगे, उसको स्पेयर में रखेंगे, अगर कभी खराब हो जाए जरूरत पड़ी तो काम आए जी। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मलिक व्लॉग्स मालमो, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.